So शेयर करने वाली हूं, neutral shades in clothing, जो आपको एकदम देते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव वीडियो गाइस सबसे पहली न्यूट्रल शेड इज द वाइट कलर सो गाइज वाइट कलर इज ऑलरेडी वेरी सोफेस्टिकेटेड कलर एंड ये बहुत क्लासी लगता है when we wear any white outfit and especially I think white color ke अनारकलीस बहुत ज्यादा सुंदर लगती है uh, किसी भी फंक्शन में स्पेशली विद फुल स्लीव्स यू नो वो चूड़ीदार स्लीव्स के साथ अनारकलीस बहुत अच्छी लगती है वाइट कलर में अगर आप किसी फंक्शन में ऐसा कि वाइट कलर का कोई आउटफिट चाहे वो अनारकली हो चाहे किसी भी तरह का वाइट आउटफिट वेयर करके चाहते हैं तो आपका आउटफिट स्टैंड आउट होता है एंड इट्स गिव्स यू वेरी रॉयल लुक सो येस वाइट बहुत अच्छा लगता है वाइट इज वेरी प्रिटी न्यूट्रल शेड एंड स्पेशली वाइट कलर के यू नो चिकनकारी कुर्तीज बहुत अच्छी लगती हैं स्पेशली अगर आप कॉलेज है या फिर वर्किंग है तो वाइट चिकनकारी आपके पास होनी ही चाहिए एंड देन वाइट कलर के यू you नो know, आप पटियाला सलवार सूट भी स्टिच करवा सकते हैं विद कंट्रास्टिंग दुपट्टा ये बहुत अच्छे लगते हैं uh, you know, आप किसी फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं सो देन सेकेंड न्यूट्रल शेड इज द

फंक्शन के लिए इस तरह की लुक अप्रोप्रिएट होती है एंड इसके साथ साथ आई थिंक बेज ब्लैक के साथ बहुत सुंदर लगता है ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन में कोई सूट भी परचेज कर सकते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रॉयल लगता है ब्लैक एंड बेज कलर का शुड ऑन अ ब्यूटीफुल बेज कलर कुर्ती आप कुर्तीज uh, में इन्वेस्ट कर सकते हैं बेज कलर की सूट्स में इन्वेस्ट कर सकते सो यस द सेकेंड न्यूट्रल एंड रॉयल कलर इज द बेज कलर नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड न्यूट्रल कलर एंड दैट इज द रोज

जिसका बेस रोज गोल्ड कलर का ना उसके ऊपर डार्क पिंक कलर के प्रिंट्स हो दैट लुक वेरी वेरी नाइस सो या आप इस कलर के प्रिंटेड सूट या कुर्तीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ रोज गोल्ड कलर के लहंगाज बहुत ट्रेंड में हैं आजकल ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा के लहंगा के बाद आजकल मोस्टली ब्राइट्स रेड कलर में इन्वेस्ट नहीं करती दे प्रेफर दिस काइंड ऑफ रोज गोल्ड शेड्स रोज गोल्ड कलर के लहंगाज बहुत ट्रेंड में है रोज गोल्ड कलर की सारी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड स्पेशली लहंगाज एंड सूट्स या कुर्तीज इस कलर की बहुत अच्छी लगती है सो या एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्थ न्यूट्रल शेड इज द ब्यूटिफुल ग्रे कलर ना गाइज मैंने ट्रेंडिंग कलर्स ऑफ 2021 वीडियो में भी बताया था कि ग्रे कलर कितना ट्रेंड में है आजकल एंड आई थिंक ग्रे कलर लास्ट ईयर से बहुत ट्रेंड ग्रे कलर दिखने में लगता है कि ये डल शेड है बट व्हेन यू स्टिच इट एंड वेयर इट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल ये आपको एकदम क्लासी लुक देता है एंड स्पेशली जिस तरह का यू नो जिस तरह की कुर्ती मैंने आज फेयर की है दिस अ ब्यूटिफुल लाइट ग्रे कलर सो इट्स अ सेट कुर्ती एंड प्लाजो सेट मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए पिक्चर्स लगा दूंगी किसी वेडिंग या फंक्शन में आप इस तरह का कलर वेयर करके चाहते हैं तो इट्स स्टैंड आउट एंड इट लुक्स वेरी वेरी क्लासी एंड गिव्स यू वेरी रॉयल लुक सो येस आप इस तरह के ग्रे कलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रे एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ट्रेंड में है तो यू नो ग्रे कुर्तीज एंड ऑरेंज प्लाजोस या फिर ऑरेंज कुर्ती ग्रे प्लाजोस इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए कलर ट्रेंडिंग रहने वाला है एंड दिस looks very very nice. सो गेस देन फिफ्थ न्यूट्रल शेड इज द ऑलिव ग्रीन कलर नाइज ऑलिव ग्रीन कलर ग्रीन कलर का ही एक ब्यूटीफुल शेड है ऑलिव ग्रीन कलर के स्पेशली सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं आप प्लेन सूट्स भी स्टिच करवा सकते हैं ऑलिव ग्रीन कलर के उसके साथ कोई कंट्रास्टिंग दुपट्टा कैरी कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा एंड इसके साथ साथ ऑलिव ग्रीन कलर की सारीज बहुत अच्छी लगती हैं तो so, यस yes, ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है दिस इज ब्यूटिफुल न्यूट्रल शेड नेक्स्ट न्यूट्रल शेड की हम बात करें तो दैट इज चॉकलेट ब्राउन कलर सो चॉकलेट ब्राउन उन कलर के सूट आजकल बहुत ट्रेंड में है यू you नो know, जितना भी मैंने मार्केट में देखा है अगर आप मार्केट जाए तो आपको चॉकलेट ब्राउन कलर बहुत ज्यादा मिलेगा स्पेशली इस कलर में अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड में जाना चाहते हैं लाइक like फैब्रिक लेके अगर आप सूट स्टिच करवाते हैं तो वो एकदम रिच लुक आपको देता है इट लुक्स वेरी वेरी नाइस देन लास्ट बट नोट लीस्ट नेक्स्ट न्यूट्रल शेड इज द ब्लैक कलर ना गाइस ब्लैक आई लव ब्लैक कलर एंड आई थिंक ब्लैक बहुत सुंदर लगता है वेयर किया हुआ जस्ट गिव्स यू वेरी रिच एंड रॉयल लुक स्पेशली नो ब्लैक कलर के नारकली सूट्स विद डीप नेक एंड ऑरेंज दुपट्टा री स्टार्टिंग हमने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये ब्लैक एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन इट इज जस्ट बैंग ऑन सो यस ब्लैक बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर के आप सूट स्टिच करवा सकते हैं विद कंट्रास्टिंग दुपट्टा एंड आई थिंक ब्लैक बेज जैसे मैंने अभी बताया ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है ब्लैक ऑरेंज ब्लैक रेड ब्लैक पिंक ब्लैक को आप बहुत सारे कलर्स के साथ टीम अप कर सकते हैं सो डेफिनेटली यू मस्ट ऑन अ ब्लैक कलर क्लोदिंग आइटम चाहे वो साड़ी हो लहंगा हो सूट हो कुर्ती हो एनी थिंग बट या ब्लैक कलर इज अ मस्ट है आपके पास होना ही चाहिए बस ये है सेवन यूट्रल शेड जिनमें आप जरूर इन्वेस्ट करें बिकॉज ये बहुत सुंदर लगती है वेयर की हुई एंड इट गिवस यू वेरी रिच एंड रॉयल लुक जो मैंने बार बार इस वीडियो में कहा है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मैं आपको इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं ऊपर दे दूंगी एंड मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक ठीक है बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय